हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की विलियम वर्ड्सवर्थ के चैप्टर डैफोडिल्स नाम की पोयम को, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो है पीले सुनहरे फूल कहलाते हैं। इसको कंपोस्ट किया है 1802 अप्रैल 4 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पब्लिश किया है इसको 1807 में। पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में रिवाइज वर्जन इसका आया है 1815 में कलेक्टेड पोएम्स के नाम से। दोस्तों आपको बता दें कि डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। बहुत ही कम समय में आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे लिखें। लाइंस इसमें 24 टोटल लाइंस हैं, 4 इसमें स्टेंजा हैं। एवरी स्टेंजा 6 लाइंस का यानी सेस्टेट है। एवरी स्टेंजा इसका 6 लाइंस का यानी सेस्टेट है। राइमिंग स्कीम इसकी भी ABABCC एम्बिक ट्रेट्रामीटर में, ज़्यादातर एम्बिक पेंटामीटर में होती है, एम्बिक ट्रेट्रामीटर में। और आपको इसके बारे में जानकारी बता दें, एट दिस टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन लेक डिस्ट्रिक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पर मौजूद थे इसको लिखते वक्त? लेक डिस्ट्रिक्ट में, जब वो डॉरोथी के साथ थे, उनकी बहन डॉरोथी, और ये घूम रहे थे तो इनको लेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डैफोडिल्स के बहुत सारे फूल इनको दिखाई दिए और अचानक से दिमाग में ये कविता लिखने का आइडिया आ गया। एंड इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम भी कहलाती है। अदर टाइटल इसका क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये इसकी पहली लाइन भी है और ये इसका अदर टाइटल भी कहलाता है। पूरी पोयम समझने के लिए आप और यूट्यूब पर देखें इसको। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, इसको आप नोट कर लें, याद कर लें और अपनी तैयारी को थाम कर रखें। थैंक यू।